नाज़रीन सज्जावल से हमारे रिपोर्टर शमीर खान सिंधी रिपोर्ट कर रहे हैं। सज्जावल में गैर कानूनी तजावजात की भरमार ने शहरियों को जीना दोभर कर दिया। ट्रैफिक के निजाम धरम भरम होने से शहर में गाड़ियों की आमदो रफ्त अतल का शिकार हो गई। शहरियों का पैदल चलना भी महाल बन गया। मछली फरोश भी शहर में घुस पड़े। मछली और गोश्त वगैरह के खरीद व फरोख्त के बहस गंदगी ताफुन ने शहर में डेरा जमा लिया और शहर के हुसन का खात्मा कर दिया। गलियों में कब्जों के बायस जनाजे निकालना भी मुश्किल हो गए। इंतजामिया ख्वाब को खरगोश में मसरूफ। शहरियों की बार बार शिकायत के बावजूद महकमा इंतजाजी तजावजात के अफसरान की कान पर जूं तक न रहेगी। सजावल शहर के मसरूफ तरीन मामू लाडो चौक से पब्लिक पार्क तक रोड के दोनों अतराफ पर कायम तजावजात, जिनमें ठेले रेहड़ी वाले सब्जी और मछली फरोश उन्हें सड़क के दोनों तरफ कब्जा करके संदल रेहड़े पथारे रखकर अपने मार्केट बना ली, जिसके बाद रोड पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। गाड़ियों चलाने वालों समेत पैदल चलने वालों को भी सख्त दुश्वारी और कोफ्स का सामना करना पड़ता है और 5 मिनट का रास्ता बड़ी दुश्वारी के बाद 15 मिनट और बाज़ औक़ात आधे घंटे में तय करना पड़ता है। ट्रैफिक जैम होने के बाद सुबह को और छुट्टी के टाइम स्कूल के बच्चों को लेने वाले चिंगची रिक्शे और शहर में किसी भी इमरजेंसी या मरीज वगैरह लेने वाले एम्बुलेंस और गाड़ियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। मस्कूरा सड़क पर मौजूद दुकानदारों ने एक तो अपनी हदूद को छोड़कर आगे सीढ़ियां बना ली और दूसरी तरफ अपने दुकानों के सामने खड़े रेहड़े वालों से 100 लेकर 500 रुपये तक रोजाना का किराया लेते हैं। दुकानदारों ने अपनी लालच के बहस रेहड़ी वालों को दुकानों के सामने खड़ा करके सड़क को बहुत तंग कर दिया। दुकानदार हजरात इंतजामी तौर पर किसी भी कार्रवाई के दौरान रुकावट डालकर उनको दिफा भी करते हैं। आम राहगीर का रास्ता रोकने पर उनको कोई एहसास नहीं होता। शहर के समाजी रहनुमाओं यूनिस बान, डॉक्टर होत चंद, वकार मेमन और दीगर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक का निज़ाम धरम भरा होने के करने वाले रेहड़ी वालों के रोज़गार फराहम करने के लिए किसी दूसरी जगह पर मुतबादल प्लाट देकर उन्हें वहाँ मुंतकिल किया जाए, ताकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की सफाई भी रह सके। ट्रैफिक का निज़ाम भी दुरुस्त होना साथ शहर का हुसन भी कायम रह सके।